नमस्कार, देश खबर 24 में वक्त है खबरों का। जेपी प्रबंधन के खिलाफ श्रमिक लामबंद हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों ने सांसद जी से मांग की है कि उन्हें भुखमरी से बचाया जाए और रोजगार दिलाया जाए। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन के बैनर तले आज हजारों की संख्या में मजदूरों ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग आप सारे लोगों को पिछले मतलब एक महीने से विदित है कि यहाँ पर जो जेपी सीमेंट का कारखाना है और HEW हाईटेक का जो कारखाना है, उन कारखानों में COVID-19 के बाद से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ये सारे कारखाने का मजदूर ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही सरकार आदेश करेगी कि लॉकडाउन समाप्त हुआ तो सबको काम पर रख लिया जाएगा। अभी पिछले एक महीने हो गया कारखाने को खुले हुए, 966 मजदूरों को अभी उन्होंने काम से बाहर रखा हुआ है। इस संबंध में लगातार हम लोग प्रशासनिक स्तर पर अनुशासित तरीके से जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं एक महीने से। कलेक्टर महोदय को इस संबंध में हम लोगों ने बात संज्ञान में ले आई, उन्होंने थोड़ी पहल की, 140 लोगों के आसपास लोगों को उन्होंने रखा, पर अभी भी जो है 850-900 लोग जो है वो काम से बाहर हैं। तो इसी सवाल को लेकर हम सांसद जी के पास आए हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर उद्योग के नाम पर एक ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी रोजगार का इस तरीके से हमला होगा तो हमारे जीविका के लिए बड़ा संकट है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने, है ना, दिल्ली की भी मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ये आदेश किया है कि लॉकडाउन के बाद किसी भी मजदूर की छटनी नहीं की जाएगी, उसको लॉकडाउन के अंतर्गत का वेतन दिया जाएगा, किसी की सेवा शर्तों पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पर ये जेपी प्रबंधन जबरन तरीके से एक पूरी साजिश के तहत मजदूरों को बड़े पैमाने पर छटनी करके पूरे कारखाने में निजीकरण करना चाहता है, उसका ठेकाकरण करना चाहता है। इसी संबंध को लेकर हम अपने जनप्रतिनिधि के पास आए हैं कि हमारे रोजगार का संकट है, वो हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो इस संबंध में पहल करें कि हमारी जीविका बच सके, इसी संबंध को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। ज्ञापन पत्र के माध्यम से इन मजदूरों ने कहा कि COVID-19 जैसी महामारी के बाद सरकार ने सभी फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया था, जिसमें रीवा की जेपी फैक्ट्री भी शामिल थी। लॉकडाउन खुलने के बाद फैक्ट्री तो चालू कर दी गई, लेकिन जेपी प्रबंधन ने मजदूरों को काम पर वापस लेने से इनकार कर दिया। काफी आंदोलन और चकाजाम के बाद 140 मजदूरों को वापस लिया गया, लेकिन 950 मजदूर अभी भी रोजगार की राह देख रहे हैं। जबकि मोदी सरकार का सीधा निर्देश था कि किसी का रोजगार कोरोना महामारी के चलते नहीं छीना जाएगा, लेकिन सरकार की बातों को दरकिनार करते हुए जेपी प्रबंधन केवल अपनी चला रहा है। मजदूर प्रतिनिधियों ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि मजदूरों को उनका काम वापस मिलना चाहिए, जैसा कि सरकार के निर्देश हैं। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा भी मजदूरों को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में वे हर संभव प्रयास करेंगे जिसके कारण मजदूरों को उनका काम मिले और वह बेरोजगार ना हो। आपको ये ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? ये कोरोना की वजह से जो फैक्ट्री बंद हुई उसमें मजदूर काम नहीं कर पाए। अब जब से फैक्ट्री चालू हुई है तो इन मजदूरों का हक है कि उनको काम दिया जाए। जेपी प्रबंधन ने 144-146 कुछ लोगों को काम दिया, बाकी ये 800-900 लोग अभी काम से बाहर हैं। मजदूरों की मांग जायज है, बोनस की बात जो आई है वो भी जायज है, और मैं इन मजदूरों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जहां इन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। जेपी ने इस ज़िले को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है, और इन गरीबों की आह है कि इसलिए वो बिक गया, और मेरा उससे अनुरोध है जेपी सीमेंट प्रबंधन से कि अगर कहीं ईश्वर को डरते हो तो इन मजदूरों की आह से डरो और इनको काम पर लो, यही मेरा कहना है।